इस वीडियो में हम संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में जानेंगे। कैथी आज सनी से मिलने पार्क में जा रही है, तभी उसने देखा कि सनी जमीन पर से कुछ उठा रही है। तुम क्या कर रही हो सनी? मैं ये रसीले अंगूर इकट्ठा कर रही हूँ। अरे वाह, ये अंगूर तो बहुत ही रसीले लग रहे हैं। कुल कितने अंगूर है तुम्हारे पास? मेरे पास अंगूर का एक गुच्छा है जिसमें 10 अंगूर है और एक अंगूर और भी है, तो कुल हुए 11 अंगूर। ये तुमने कैसे गिना सनी? मुझे समझ नहीं आया। मैं तुम्हें समझाती हूँ। किसी भी 10 वस्तुओं के समूह को हम दहाई कहते हैं और खुली वस्तुओं की संख्या को हम इकाई कहते हैं। हर संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है जिसे हम स्थान मूल्य कहते हैं। इकाई वाले स्थान में हम हमेशा 0 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं और जब वह संख्या 10 हो जाती है हम उसका 10 का बंडल बना सकते हैं, इसलिए उसे दहाई के स्थान में लिखा जाता है। देखो, मुझे एक और अंगूर मिला, तो अब हो गए 10 अंगूरों का एक गुच्छा और 2 खुले अंगूर, मतलब 1 दहाई और 2 इकाई, यानी कुल 12 अंगूर। क्या बात है कैफी, बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मेरे पास 1 गुच्छा और 3 खुले अंगूर है, मतलब 1 दहाई और 3 इकाई, तो कुल अंगूर हुए 13। कैफी और सनी ऐसे ही अपनी गिनती संख्या 19 तक जारी रखते हैं। कैफी देखो, मुझे एक और अंगूर मिला है, यानी मेरे पास है 10-10 के 2 गुच्छे, यानी कुल 2 दहाई और 0 इकाई। आओ इनको मिलकर खाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है सनी। दोस्तों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों को दहाई और इकाई वाले डिब्बे में लिखने की। सही उत्तर पता करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10 से 20 संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में सीखा।